आप क्या यहाँ रहना पसंद करेंगी? Why not? I mean, क्यों आई हैं? हीट स्ट्रोक तो नहीं हुआ? गर्मी लग रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मैं हूं यूसुफ वाइसरॉय, आपका दोस्त, आपका होस्ट। हम इस वक्त मौजूद हैं दुबई स्पोर्ट्स सिटी के अंदर, और दुबई स्पोर्ट्स सिटी आप तो जानते हैं, क्रिकेट स्टेडियम जहां पाकिस्तान ने बहुत मैचेस खेले हैं और बहुत सारे जीते भी हैं। तो ये है दुबई स्पोर्ट्स सिटी, और मेरे लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं कैनाल व्यू अपार्टमेंट हैं। कैनाल अभी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन ये अपार्टमेंट आप देखें कितने खूबसूरत हैं। दुबई स्पोर्ट्स सिटी की रौनक है ये अपार्टमेंट्स, और साथ साथ हमारे पाकिस्तानी, इंडियन और जितने भी भाई हैं सब ने जो है अपने अपने प्रोजेक्ट्स यहाँ बनाए हुए हैं। बहुत हाई क्वालिटी और हाई एंड प्रोजेक्ट्स हैं दुबई स्पोर्ट्स सिटी के अंदर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे साथ हमारी मेहमान हैं, पाकिस्तान से तशरीफ लाई हैं, मार्केटिंग का इनका बिजनेस है, साथ साथ रियल एस्टेट का भी काम करती हैं और इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। बहुत खूबसूरत अपार्टमेंट्स या ऑफिस या कोई भी रेस्टोरेंट हो, शॉप हो, कोई भी शोरूम हो, ये सजाती हैं अंदर से। नाम है इनका हीरा नईम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप हीरा? मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? यहाँ क्यों आई हैं? विजिट करने आई हूँ, देखने आई हूँ। सुना तो बहुत था कि रियल एस्टेट मार्केट जो है दुबई की, दैट्स ऑन इट्स बूम दीस डेज, तो मैंने सोचा आऊँ, विजिट करूँ, थोड़ा एक्सप्लोर करूँ और ख़ुद भी देखूँ कि क्या चल रहा है दुबई की मार्केट में और क्या जगहें हैं यहाँ पर जो इतनी हाइप है जिनकी। सो आई एम हियर टू विजिट एंड एक्सप्लोर। हीट स्ट्रोक तो नहीं हुआ आपको? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आई एम मैनेजिंग इट। गर्मी लग रही है? गर्मी तो है, यस वो काफ़ी ज़्यादा है। आप ये बताइए कि आपने कल जो प्रोजेक्ट विजिट किया रेक्सॉस का, और दो तीन डेवलपर से आप मिली, तो आपको क्या फील आया लोगों से मिली आप कितने फ्रेंडली हैं, कितने मतलब ऑनर करते हैं लोगों को, मेहमानों को, और यहाँ की रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है वो आपको किस तरह वेलकम करती है? So I think it's a very receptive market. It has a lot of opportunities in it, and it is open to welcome people belonging to any nationality, which is the best part about Dubai. और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, जहाँ जहाँ मैंने विजिट किया वहाँ people are like really welcoming, और वो आपको onboard करने के लिए, अपने projects की marketing, sales देने के लिए भी बहुत like excited भी हैं। कहीं पर भी ये नहीं feel हुआ कि कोई reluctant है people वहाँ पर आपको कहीं पर भी guide करने में या projects के बारे में बताने के लिए। तो वो भी लाइक इट्स अ वंडरफुल मार्केट टू बी इन, और मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट्स भी इतने फुल, इतने प्रॉमिसिंग हैं कि लोग भी बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं उसमें, और तभी दैट्स द रीजन दुबई मार्केट इज ब्लूमिंग दीस डेज। करेक्ट। तो आप अब जैसे आपने दुबई स्पोर्ट्स सिटी का विजिट किया, तो आप क्या यहां रहना पसंद करेंगी? Why not? I mean, it's a wonderful place to be in. आज जैसे आपसे payments plan और चीज़ें भी discuss हुई, share की आपने, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो it's a value for money. I mean, it's a beautiful place. Quality with better cost, I think it's a wonderful place to be in. Sari facilities maujood hain, like nearby area mein sab restaurants, supermarkets, everything is over here, and I think it's a wonderful place to live and reside in. Yes. नाज़रीन, यहाँ पे मैं दुबई स्पोर्ट्स सिटी के अंदर बता दूँ कि दुबई स्पोर्ट्स सिटी के अंदर आपको 3 लाख दरहम में आपको अपार्टमेंट कम से कम मिल जाता है। अगर आपकी सैलरी 7-8 लाख रुपए है पाकिस्तानी, तो आप अगर दुबई आना चाहते हैं तो 20% आप पे करें और 80% आपको यहाँ से बैंक फाइनेंस हो जाएगा, और यहाँ आपके बच्चों की एजुकेशन, आपके यहाँ के रिहाइश सिक्योर, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 0% आपको टैक्स है, यहाँ पर कोई टैक्स नहीं है। सिंपल आपको 1 घंटे के अंदर आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम पर ट्रांसफर हो जाएगी। हम साथ साथ विजिट करते हैं स्पोर्ट्स सिटी का और आपको अपडेट देते हैं। आज हमारा जो व्लॉग है वो सिर्फ स्पोर्ट्स सिटी के ऊपर है, और वो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। लव यू।